सवाल और। महोदय मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, महोदय से, आप कह रहे थे पूर्ववर्ती आज की सरकार विकास कर रही है, आप टैक्स दे रहे हैं, क्या आप इसके पहले टैक्स नहीं देते थे? क्या इसके पहले सरकारें नहीं थी कि इसमें विकास कर रहा? आज को जहाँ आप बैठे हैं वहाँ आज जो विकास दिखाई पड़ रहा है उसको आप पहले अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए कि विकास हुआ कि नहीं हुआ है। आप जवाब दीजिए। विकास की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ। अयोध्या में जो विकास हो रहा है, जो पूरे देश में विकास हो रहा है, वो सब टैक्स पेयर के पैसे से हो रहा है, कोई अपने घर से लाके नहीं करता है। सब हमारा आपका पैसा है, सब हमारा आपका पैसा है, उसी से बनता है। अब किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मेरा ये इनसे बड़ौदा मायावती जी कहती थी यहाँ शौचालय बनवा दिया जाए, विकास क्या करती? और ये लोग भगवान प्रभु श्री राम को गाली दे रहे हैं, हम लोगों का कलेजा छलनी हो रहा है, और इस विकास से हम लोग गदगद हैं, रोम रोम में हमारे भगवान बसे हुए हैं। और आप लोग अब ये प्रोपोगंडा बंद कीजिए, भगवान राम को स्वीकार कीजिए, कण कण में राम है, जय श्री राम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट थी, सब सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते रहते हैं, मोदी सरकार से भी तो पहले वो थे सुप्रीम कोर्ट के जज, तो जब क्यों नहीं मंदिर मनवाया? क्या उम्र है आपकी? हाँ, कितने साल की हैं? मैं 9 इयर्स की हूँ। और कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं, तो आप इस राम मंदिर इशू को फॉलो कर रही हैं कि मंदिर अब बन रहा है, पहले नहीं बन रहा था या कोर्ट का फैसला? यस। क्या समझ में आ रहा है, अभी फैसला आया, अभी मंदिर बन रहा है, क्या समझती है? मैं समझती हूँ कि जो हमारा सनातन धर्म है उसकी बड़ाई हो रही है। देख लीजिए, एक सवाल जो एमएच खान साहब ने पूछा था कि टैक्स पेयर का पैसा है घर से लेकर नहीं आए हैं। अरे ये टैक्स पेयर के पैसे से पहले हज हाउस बनाया करते थे, टैक्स पेयर के पैसे से हज की सब्सिडी दिया करते थे, है टैक्स पेयर के पैसे से हज हाउस भी गिरा दिया आपने, साथ साथ हज हाउस भी गिरा दिया आपने, ये मंदिर आपने हज हाउस को गिरा दिया, आपने हज हाउस को गिरा दिया, गिराइए हज हाउस को। रुस्तम जी, सवाल उठता है कि उसी टैक्स पेयर के पैसे से सैफई को चमका दिया गया, सैफई महोत्सव का आयोजन होता था, लेकिन अयोध्या राजनीतिक रूप से अछूत बनी रही, सच नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पैकर्मा मार्ग बनवाई भी है तो किन्होंने बनवाई? समाजवादी लोगों ने। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज का सेहरा अपने उस सिर पे बांध रहे हैं, ये किसने बनवाया? ये अखिलेश यादव जी की देन है मेडिकल कॉलेज, इसको सेहरा अपना बांध रहे हैं। चलिए सब कुछ छोड़िए, पहले ये बताएं विकास कर रहे हैं, ये मस्जिद कब बनवाएंगे? मस्जिद कब बनवाएंगे? इनके नेता का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये मुस्लिम का विश्वास कब जीतेंगे ये बता मैं जवाब देके जाए आज। अरे भाई इस आप सुन लीजिए, इस समय देश में मुसलमान शुक्रिया मोदी भाईजान कह रहा है, क्योंकि आज जो 4 करोड़ मकान बनाए हैं ना उसमें हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं किया है। आज जो 14 करोड़ हम इसको नहीं कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि आप ये बताइए सबके घर तक पहुंचाइए, पैसे से आप मस्जिद कब बनवाएंगे, मस्जिद की पहल कब करेंगे, आप विश्वास कब जीतेंगे, आप विश्वास कब जीतेंगे? बनाने का काम सरकार नहीं कर रही है, भूमि कर रहा है, बनाइए ना सुन्नी वक्फ बोर्ड, नहीं बना रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड से पूछिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बना रहा है? जमीन तो मिली हुई है, सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन मिली हुई है, बनाए सुन्नी वक्फ बोर्ड, जमीन मिली हुई है, जो जरूरत होगी सरकार सहयोग करेगी। जमीन इन्होंने कौन सी दी? जमीन इन्होंने कौन सी दी? अगर मुस्लिम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने दी है ना, कोर्ट ने कहा कि यहाँ अयोध्या सिटी में, अयोध्या सिटी में इन्होंने दी रौनाही में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये यहाँ पर बता के जाएं कि क्या मुस्लिम का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर अयोध्या अगर मुस्लिम का विश्वास नहीं जीते होते तो मोदी जी जब अयोध्या आए तो मुसलमान उन पर फूल की वर्षा नहीं किए होते, बाल अंसारी उन पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां। अयोध्या में हिंदू और मुसलमान का कभी विषय ही नहीं रहा है। नहीं देखिए, अयोध्या में कहीं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं रही, अयोध्या ऐसा सोच लीजिए जगह है, आप ही बोलते हैं हर दूसरी लाइन में। नहीं नहीं, अयोध्या अयोध्या की बात करें, एम एच खान साहब इतने उग्र हो गए, अरे राजू दास तो झूठ बोले, आप जो जिस विषय को लेकर लगातार डिबेट करते थे हम लोगों ने उचित देखा है। अयोध्या इतनी खूबसूरत नगरी है, इतनी खूबसूरत नगरी अभी तत्काल आपने देखा है कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार के बेटे
फूल वर्षा मोदी जी के ऊपर कर रहे थे। अयोध्या के कोने कोने में कण कण में भगवान राम की व्यापकता है और हनुमानगढ़ी कनक भूमि राम जन्मभूमि और आसपास राम की पैरी के बीच में 16 से 17 मस्जिद है और किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरा, चारों तरफ घंटी और घड़ियाल बजता है, फिर भी पांच वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए कि क्या यह संभव इस्लामिक क्षेत्र में है क्या? इनसे मेरे सवाल है, नहीं कहीं है क्या? सुनिए सुनिए, कहीं है क्या? अब सुन लीजिए, नहीं है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, विवादित जगह पर जो भी मस्जिद बनेगी या जो आदमी जिंदा है उस पर नमाज नहीं होती है, और मैं बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो अभी ज्ञान बाबरी मस्जिद, अच्छा ज्ञान बापी पे बोलिए, ज्ञान बापी पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, सुन लीजिए, देश की जनता सुन लो, नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, विवादित जगह पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, भगवान विवादित जगह पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, सुन लो भाई, भगवान विवादित जगह पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, भगवान पढ़ेंगे जन्मभूमि पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। महंत राजू जी भी अद्भुत है, शुरू करते हैं कि यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं आ रहा, फिर धीरे धीरे मुद्दे पे आ रहे हैं, ये सब भाई अकेले खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए एक दो सवाल है बच्चों के, मेरा कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के खेल मंत्री उदय निधि स्टैलिन ने कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया है, वो अभी कड़ी निंदा कर देंगे, पर कड़ी निंदा तो जेब में लेके घूमते हैं, अलायंस क्यों किए उनके साथ, उन पर टिप्पणी क्यों नहीं, जैसे ये कड़ी निंदा लेके घूमते हैं संजय निषाद के लिए, वैसे वो कड़ी निंदा लेके घूमते हैं स्टैलिन के लिए। मैम एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे अभी इन्होंने कहा कि आप मस्जिद बनाने की पहल वहां पे कब शुरू करेंगे, अगर राम मंदिर बना है ना, किसी सरकार का एक का सिक्का नहीं लगा, हम हिंदुओं ने अपने जहन से एक एक रुपए निकाल के दिए हैं उस राम मंदिर के लिए, हम हिंदुओं 8,000 करोड़ देने की औकात थी तो मंदिर बना लिया, आपकी औकात है आप भी मस्जिद बना लीजिए, हमें तो नहीं बनानी, हमें तो नहीं बनानी, निवेदन है कि ये बताइए कि आपकी कि आपकी सरकार में कभी मंदिर बना, ये मोदी और योगी ने नहीं बनाया, सनातनी कट्टर सनातनी ने मंदिर बनाया है और हिंदुओं के पैसों से बनाया, कि आप मुद्दा उठाते हो, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं भैया, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं इसका, नहीं वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, राहुल गांधी जी करते हैं हमारे आप एक से एक कविता सुनाते हैं, सुनाइए। हाँ, हमारे प्रभु श्री राम जी का चरित्र तो इतना पवित्र और निर्मल चरित्र है कि औरों की तो बात जाने ही दीजिए, अब यहाँ रावण की दुर्दशा देख लीजिए, रावण गया कुंभकर्ण के पास तो कुंभकर्ण ने पूछा कि क्या बात है लंकापति, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों, रावण बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने श्री सीता जी का हरण कर लिया है। कुंभकर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर, रावण बोला लगती ही नहीं वो और हमारी, वो मेरी और देखती तक नहीं है, वो मेरी और ताकती तक नहीं है। तो कुंभकर्ण ने बोला कि जब महात्मा बनकर तुमने उन्हें हरण कर लिया तो राम बनकर ही उन पर अधिकार पालो, नकली तो बनना है तो तुम राम ही क्यों नहीं बन जाते। तो रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है इसमें है हमको भय भैरव भारी, और जब राघव रूप लगा बनने तब मात समान लगी सब नारी, अर्थात जब मैं श्री राम जी का चिंतन करने लगा तब मेरे मन से वासना ही चली गई, ऐसा पवित्र क्षेत्र है हमारे प्रभु श्री राम का। जय, क्या नाम है आप? माधव पांडे। माधव पांडे फ्रॉम बिहार। पांडे जी दिल जीत लिए बिहार। क्या बात है, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। देखिए यही भाव, देखिए भगवान राम एक चरित्र, एक अपने आप में एक सोच है, वहाँ पहुँचना होगा, और उन्होंने बात की महिला सम्मान की, महिला सम्मान की बात की, तो आपको इसी के साथ तमाम अन्य मुद्दों पर भी सरकार के अन्य जो पार्टियां हैं जो उस सरकार को घेरती है, आपको सही मायने में राम राज्य लाना होगा, ये जिम्मेदारी और जवाबदेही है आपकी, खाली 24 में भुनाने से नहीं चलेगा। नहीं, निश्चित तौर पे हमने पहल उस संदर्भ में की है, 2047 में ये भारत विकसित भारत बने, ये विकासशील तो बहुत दिनों से था, विकसित भारत बने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज सरकार के साथ जगह जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रही है। हम चाहते हैं भारत मजबूत हो, भारत सशक्त हो, और भारत की मजबूती के लिए राम राज्य ही विकल्प है, ये बात इनको समझनी होगी, ये समझ कर साथ आ जाएंगे तो अच्छा है, वरना हम तो खान साहब, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जब सारा विपक्ष एकजुट होकर सीट शेयरिंग की बात कर रहा है तो मायावती जी अलग राग गा रही है, अगर मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना है तो सीट शेयरिंग की बात आनी होगी, सबको मिलना होगा। मायावती क्यों किनारा कट रही है, वो कह रहे हैं आजकल बीजेपी की बी टीम हो गई है। ने कहने से कुछ नहीं होता है, उनकी पार्टी है, वो जिस तरह से पार्टी को चलाना चाहती है चला रही है, ऐसा ऐसा क्यों करेंगी,
कि अखिलेश यादव के के बहकावे में आवे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो सवाल इस बात का है कि जब विचारों का भेद नहीं मिलता है, अब ये अभी कितना गठबंधन में देखिएगा, गठबंधन टूट टाट बराबर हो जाएंगे और मोदी जी जीत के आ जाएंगे। ये बसपा कह रही है, ये बसपा कह रही है, चुके हैं, ये बसपा कह रही है, अब क्या कहेंगे? समझौता हो चुका है, लगता है हमने तीन ठीक ही खड़ा कर दिया, सब एक तरफ के हो गए, बस आप बीच में फंस गए। बोलिए, ये इनका समझौता हो चुका है। आप पूछते थे कि तारीख नहीं बता रहे हैं राम मंदिर का, इन्होंने तो तारीख बता दी। नहीं, आप बताइए ना, सीट शेयरिंग फॉर्मूला, कौन फेस होगा, कैसे लड़ेंगे, तो इसकी तारीख तो कब बताएं? बात हो ही रही है, और बाकी बीएसपी के लिए कहा गया है कि इनको समझौता करने गारंटी कौन लेगा? कल को जीत के भाग जाएंगे उस पाले में, इनका कोई भरोसा है? कब कहां कूद के पलटी मार लें? कह रहे कूद के पलटी मार लेंगे। कौन पलटी मारा था पहले? कितनी बार पलटी पलटी कौन मारा था? कितनी बार? अरे भैया पहले पलटी कौन मारता था? अब तो यूपी की जनता ने गिनती भुला दी है कि कौन कितनी बार पलटी यहाँ मारता है। जल्दी से आप माइक उठाइए, बताइए कि आपको आपकी क्या स्ट्रेटजी है। देखिए, राम मंदिर बनने की खुशी सिर्फ इस देश में सबको है। हाँ। हमको भी, आपको भी, सबको है। लेकिन ये जो चुनाव होता है लोकतंत्र के अंदर, कभी भी किसी ईश्वर के मुद्दे पर, भगवान के मुद्दे पर, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर नहीं लड़ना चाहिए। आपने शुरू किया डिबेट, तो आपका सवाल ये था कि अयोध्या का विकास कैसे होगा, क्या इसका विजन है। आज बात को समझ लीजिए, आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 9 साल होने वाले हैं। इस अयोध्या के अंदर जहां पर राम पद भक्ति पर सब कुछ बन रहा है, आप इनसे पूछिएगा ये 9 वर्ष के अंदर युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए क्या, कितने विश्वविद्यालय बनाएंगे, कितनी मंत्री बनाएंगे? राम मंदिर बनने से भी काफी रोजगार डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर। तमाम खोमचे वाले, फूल पत्ती बेचने वाले, लोगों का आवागमन, पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है। इसलिए राम मंदिर एक अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी के रूप में वो काम कर रही है। 3-4 हजार लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, नासय रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी महाराज की नगरी है और पार्वती परमात्मा भगवान श्री राम की नगरी है।